हरे कृष्णा अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 63। क्रोधत् भवति सम्मोहः सम्मोहत् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। इसका अर्थ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसका तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथयते। यह था भक्ति रसामृत सिंधु का पहले स्कंद का दूसरा अध्याय का 258 श्लोक। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अंधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो इस श्लोक में दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि विषय जो है, विषय भोग, उससे ये करके लग के संलग्न होके जो कंटेम्पलेट करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उससे क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है उस वस्तु के तरफ। ठीक है, ये इंद्रिय उस पे चिंतन करती है तो उससे आसक्ति, अटैचमेंट हमें लग जाती है उस वस्तु पे। जब अटैचमेंट लग जाती है तो काम उत्पन्न होता है कि मुझे ये चाहिए, कामना होने लगती है, लस्ट होने लगती है कि मुझे ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और जब वो फुलफिल नहीं होता है, वो नहीं मिलता है, हमारे हाथ नहीं लगता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और अब इस श्लोक में भगवान आगे का बता रहे हैं कि जब क्रोध आता है तो पूर्णता से मोह उत्पन्न होता है, डिल्यूजन, धोखा उत्पन्न होता है। और इस धोखे से क्या होता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, वो विभ्रम हो जाती है, बिविल्डर हो जाती है, मतलब घबराहट जैसा होता है, हम धोखा खाने लगते हैं, पैल्पिटेशन होती है, एक तरह की एंजाइटी टाइप होती है कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसे घबराहट जैसे होती है। और जब ये स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तब क्या होता है, बुद्धि का नाश होता है, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और जब इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाती है, बुद्धि का नष्ट होता है,
तब मनुष्य जो है वो भवकूप में पुनः गिर जाता है, मटेरियल पुल में वापस उसका फॉल डाउन होता है। ये ऐसे करने से ये प्रोसेस जो डायग्रामेटिकली मैंने आपको जो बताया, ये स्टेप बाय स्टेप पर प्रोसेस भगवान ने बताया है कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में हमारा पतन होता है, और इसके वजह से ही ये सेंसेस जो उस ऑब्जेक्ट को, विषय को भोगने की प्रवृत्ति रखती है, उस वजह से इस प्रोसेस से आसक्ति, सबसे पहले आसक्ति सबसे बड़ा, जो देखने से सुनने से ये इंद्रियां आसक्ति उस पे जड़ लेती है, तो उससे ये सब निकल के आती है और ये हमें भौतिक बंधन में वापस गिरा देती है। हम कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करें, मगर हम इन सब चीज़ों पे अगर कंट्रोल नहीं रखते तो ये हमारा पतन का कारण बन जाता है। ये यहाँ पे भगवान हमको क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, अलर्ट करवा रहे हैं कि ये प्रोसेस है, जान लो इस प्रोसेस को और कीप चेकिंग इट टाइम टू टाइम, कि कहीं आप भी ऐसे ना फंस रहे हो। तो यहाँ पे तात्पर्य में शीला प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामी के प्रमुख गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी लीडर हैं, जिन्होंने बहुत सारी हमारे लिए अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उनमें से भक्ति रसामृत सिंधु है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए कृष्ण भगवान के तरफ, उसका हमें पूरा रहस्य खोल के बताया है इस ग्रंथ में। उनके बारे में शीला प्रभुपाद ने इधर श्लोक बताया है कि जैसे कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि किस किस प्रकार से वो भगवान को खुश कर सकता है, इन चीज़ों को उनके सेवा में लगाते हुए, इंद्रियों को उन सेवा में लगाते हुए। तो जैसे ही विषय या जो है आसक्ति हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रियां अपने आप भगवान की शरण हो जाती है और इससे आसक्ति रहित होकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। जब आसक्ति नहीं रहती तो जो काम है वो काम नहीं रहता, वो हमारी कामना भगवान की सेवा के तरफ मुड़ती है और वहाँ पे क्रोध का तो आना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि काम जो है भगवान के कार्य में हम लगा रहे हैं, आसक्ति जो भगवान के कार्य में लगा रहे हैं, तो क्रोध को शुद्ध करके हमारी जो इंद्रियां हैं वो शांत हो जाती है और कोई मोह नहीं होता और कोई बुद्धि का नाश नहीं होता। तो ये भौतिक विषय यहाँ पे कृष्ण भावनामृत जो भक्त है, भगवान का, कृष्ण भगवान का जो भक्त है, उसको पूरी तरह से पता होता है किस कैसे वस्तुओं को भगवान के सेवा में लगाए। वो चलता है तो वो सोचता है कि वो भगवान के बारे में सोच रहा है, वो जप कर रहा है चलते चलते, तो ऐसे हो ये होता है दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है जैसे वो कहीं तीर्थ में चल रहा हो, ऐसे उसका ये होता है, मतलब होता है जब वो बोलता है हरिनाम बोलता है, तो उसकी वाणी अगर किसी के लिए किसी नाम से बुला रहा हो और उसकी वाणी इतनी शुद्ध होती है कि वो उस व्यक्ति का नाम छोड़ के कभी कभी हरि बोल, हरे कृष्णा या राधे राधे बुलाता है, तो इससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि हो रही है, वो और सब में भगवान का निवास देख रहा है, हर एक जीवात्मा में, और हर किसी को आदर पूर्वक से वो इसीलिए हरि बोल करके बुलाता है। ये एक रेस्पेक्ट दिखाने का ये है फॉर्म है भक्तों का। तो इस तरह वो हर चीज़ अपनी वाणी, दर्शन, सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, हर चीज़ भगवान के सेवा में लगा देता है भक्त, और उसे पता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है ना। तो ये पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही हर चीज़ का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं ही हर जीव जंतु का महेश्वर हूँ, मैं ही सबका ईश्वर हूँ। जब मेरे पास लोग आते हैं, जीवात्मा आते हैं, तो पूर्णता से शांति पाते हैं क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा वेलविशर हूँ। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां शांतिं मां रतिरिच्छति, ऐसे भगवान बोलते हैं पांचवें स्कंद में।
कि मेरे पास ही आके जीवात्मा शांति पाती है, ये उनका इसमें कहना है। तो भक्त जो है वो हर प्रकार का विविध आइटम जो है बनाता है, वो भगवान की खुशी के लिए बनाता है। जबकि यहाँ पे निर्विशेषवादी का शीला प्रभुपाद ने बताया है, ये जो निर्विशेषवादी है वो इन जो आइटम्स से, अच्छे अच्छे आइटम्स से बनाने से इसीलिए बचते हैं क्योंकि फिर उनको खाना पड़ेगा और वो आर्टिफिशियली सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है। जो भगवान को भोग जिस तरह का चढ़ता है उसे हमें ग्रहण करना होता है क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे पास ये प्रसाद रूप से आया है, चरणामृत रूप से आया है, तो मैं इसको ग्रहण करूँगी बिल्कुल। वैसे ही हमें कृष्ण प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो अच्छा हो या हमें किसी भी फॉर्म में मिले, अगर कोई खट्टा चीज़ हो, कड़वा चीज़ हो, तो वो कृष्ण प्रसाद अगर आया है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको हमें रेस्पेक्टफुली आदरपूर्वक ग्रहण करना है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में शिला प्रभुपाद बताते हैं, मन के थोड़े विचलन से वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी मन का टॉपिक जो है हर चीज़ इस पे ही आके टिकने वाली है क्योंकि मन है यही मेन कल्प्रिट है। यहाँ पे थोड़े थोड़े बीच में भगवान हमको ये बता रहे हैं, जैसे बुद्धि नष्ट हो जाने पर भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये बुद्धि नष्ट कैसे होती है, ये मन से होती है, मन का कारण है ये। मन जो है यही बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देते रहती है कि तुम ऐसे करो, इसको ऐसे एनालिसिस करो, ऐसे इसका विश्लेषण करो। तो आपने देखा होगा जगत में, संसार में आपको राह, सही राह दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, मगर मन को, आपके मन को भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और हर पद पद पे बहुत बिविल्डरमेंट होती है। इसी वजह से लोगों में आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं, बदला लेने की प्रतिक्रिया फूट पड़ती है, दुश्मनी फूट पड़ती है, हम देखते कुछ और है, होता कुछ और है और हम उसके तरफ नफ़रत का ये लेने लगते हैं। फिर हमको दिखता कुछ है कि ये अच्छा चीज़ है, हम जाते हैं तो फिर हमको पता चलता है ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारी हैं, तो छोटी छोटी उदाहरण है, मगर ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। श्रीमद् भागवतम में हर स्कंद में मन के बारे में बहुत बारीकी से विश्लेषण बताया गया है, जहाँ पे भरत महाराज की स्टोरी हो या अजामिल की स्टोरी हो, हर इसमें मन का जो खेल है वो बहुत सुंदर तरीके से भागवतम में बताया गया है, बहुत बारीकी से, जहाँ पे भगवद गीता में भगवान ने बताया है मगर श्रीमद् भागवतम में और विस्तार में हमको बताया है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद हमें यही सूचित करते हैं लास्ट लाइन में कि मन के थोड़े से विचलन से भवकूप में पुनः गिरना पड़ता है। और इस फॉल डाउन से क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी मतलब कुछ हमारी भौतिक चीज़ नहीं चोरी होती है, हमें वापस शरीर धारण करना पड़ता है। और वापस शरीर धारण करने का मतलब है पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, वही ज्वर और व्याधि के संघर्ष से हमको गुजरना पड़ता है। ये सुन के बहुत साधारण चीज़ लगती है मगर ये साधारण बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बहुत खतरा उठाना पड़ता है। आप खुद सोच देख सकते हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ारों पैदा होते हैं, हज़ारों मरते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है इससे, ये हमको यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आर्टिफिशियली इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मन के द्वारा, जो कि मन बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है, आप कितने भी भक्ति में चरम सीमा में पहुंच जाए तो भी आप अपने मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकते। तो शिला प्रभुपाद हमें लास्ट लाइन में यही कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति के स्तर पर पहुँच जाने के बाद भी कभी कभी उसका ऐसे जीव का नीचे गिर जाना होता है, वो फॉल डाउन
हो जाता है क्योंकि उसके भक्ति का कोई आश्रय नहीं होता। जबकि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण भावनामृत भावित कृष्ण के भक्त होते हैं, उनका तो फॉल डाउन होना मतलब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ जो भी कार्य करते हैं वो सब कृष्ण को अर्पित करते हैं, है ना। तो उसमें फॉल डाउन होना कुछ यही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता, जो भी है भगवान को वो पूरे ईमानदारी से समर्पित करके करते हैं। कोई कार्य भी करते हैं तो उसको भगवान को सौंप देते हैं कि ये मैं आपके हवाले करता हूँ, मुझे आप इसमें जो आपकी इच्छा हो वैसे हमें मार्ग बताइए उस हिसाब से हमारे कल्याण के लिए। तो भगवान अच्छी तरह से हमारी क्या हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं। जबकि हम खुद अपना मनमाना बर्ताव करने लगते हैं तो वहाँ पे गिरना एकदम ही पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी होती है उसमें। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये भगवान हमें यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं। चाहिए तो आप इसको डायग्रामेटिकली बना के रख लीजिए कहीं बुक में, तो आपको समझ में आएगा कैसे ये विषय आसक्ति में जीव फंस कर इस चीज़ से पतन होकर नर्क के द्वार पे जाके खड़ा हो जाता है, फॉल डाउन होता है उसका वापस मटीरियल पुल में। तो ये भगवान ने हमको बहुत सुंदर तरीका बताया है यहाँ पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।